नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों के बारे में ओकाया कंपनी ने दोस्तों अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तो ओकाया कंपनी जो कि बहुत पहले से ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है, जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्होंने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है ओकाया फास्ट F4 नाम से, जिसकी कीमत उन्होंने 90,000 रुपये रखी है। तो उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, जो कि आने वाले टाइम में ओला और एथर वगैरह कंपनियों को अच्छी टक्कर देने वाली है, क्योंकि ओकाया कंपनी भी खूब अच्छा नाम है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। और दोस्तों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसमें ज़्यादातर लागत जो है, और जो मेन जो चीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, वो उसकी बैटरी ही होती है। तो दोस्तों बात करते हैं, जो ओकाया कंपनी ने जो अपने बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी है, आप 1,999 रुपये देकर ओकाया के स्कूटर को बुक करा सकते हो प्री बुक, जो कि 90,000 रुपये में मिलेगा। और इसमें खास बात ये है दोस्तों, ये कंपनी ओला की तरह से आपके फ्री होम डिलीवरी या मतलब डिलीवरी नहीं कराएगी, इसमें हमें डीलरशिप के थ्रू ही देखने का मिलेगा, जो पहले से चला आ रहा है जो सिस्टम डीलरशिप वाला। और दोस्तों कंपनी का ऐसा कहना है कि जनवरी की कुछ लास्ट डेट के आसपास ही ये डिलीवरी अपनी स्टार्ट कर देंगे। बात करते हैं दोस्तों इसमें मोटर में, तो इसमें BLDC की मोटर लगी है 1.2 किलोवाट की, जो कि पीक पावर उसकी 2.5 किलोवाट है। और इस पावर के साथ वो जो स्कूटर है वो टॉप स्पीड 7 से 70 किलोमीटर/आवर की निकालेगा। और बात करें जो सबसे मेन चीज़ इसमें रेंज, साथियों कंपनी का ऐसा दावा है कि ये स्कूटर 150 से 200 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के देगा, वो ड्राइविंग कंडीशंस और लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा लोड है स्कूटर पर तो वो थोड़ा कम हो जाएगी रेंज, और बिल्कुल एक सिंगल राइडर ही बैठा है तो रेंज थोड़ी बढ़ जाएगी। और डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड पे चल रहे हैं, अगर हम कम स्पीड पे चलेंगे तो बैटरी ज़्यादा चलती है, और अगर हम फास्ट स्पीड में चलाएंगे तो बैटरी थोड़ी कम चलती है। अब इसके अंदर जो है दो बैटरी का सेटअप दिया गया है दोस्तों, 72 वोल्ट और 30 एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है। अगर हम इन दोनों को गुणा कर देंगे 72 और 30, तो हमें मिलता है कि 4.2 लगभग किलोवाट आवर की एक बैटरी पड़ती है, और इसमें दो बैटरी का सेटअप दिया गया है, तो कुल मिला के इसमें 4.4 किलोवाट आवर की बैटरी है। इसी वजह से ये 150 से 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज हमें निकाल के देगी। अब बात ये हुई, आप सोचोगे 4.4 किलोवाट आवर की बैटरी है तो इसको तो चार्ज होने में भी बहुत घंटे लग जाते होंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी का ऐसा दावा है कि 4.4 किलोवाट आवर बैटरी चार्ज करने के लिए इस स्कूटर में 3 से 4 घंटे का ही टाइम लगेगा। इसकी वजह है, इसकी मेन वजह ये है कि इसमें दोनों बैटरियों के चार्जिंग के लिए अलग अलग सॉकेट दिए गए हैं, यानी आपको दो चार्जर मिलेंगे साथ में, आप दोनों बैटरियों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक बारी में एक ही बैटरी आपके स्कूटर से कनेक्ट होगी। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो आप मैन्युअली स्विच से दूसरी बैटरी पर स्विच कर सकते हो, ताकि दोनों के दोनों मतलब एक साथ कनेक्ट नहीं है, ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा सेट। अब दोस्तों बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, और ये जो स्कूटर है ये मार्केट में कितना टक्कर दे पाएगा दूसरे स्कूटर्स को, खासकर ओला और ये एथर को, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ओला और एथर ही जो ईवी स्कूटर्स की मार्केट है उनके आप शहंशाह बोल सकते हो, आज के टाइम में इन्हीं के ही स्कूटर्स हैं जो मार्केट में। तो कोई भी नई कंपनी आती है तो उसको हम इन्हीं का रेफरेंस लेके, ओला या एथर इन्हीं का ही रेफरेंस लेके हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो जो अगर हम बात करें ओला की, तो घर पे डिलीवरी करती है, और ये ओकाया जो है ये आपको देगी डीलरशिप के थ्रू आपको होगा। तो इसकी एक खास वजह ये हो जाती है, डीलरशिप में अगर जाओगे आप तो आपके पास एक बंदा होगा, अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किसी से जाके बोल सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, और वो बात आपके जाएगी। जबकि ओला की कंडीशन में आपको कस्टमर केयर से फ़ोन करना पड़ता है। बात रही इसकी प्लास्टिक क्वालिटी या फाइबर, दोस्तों हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उसे प्लास्टिक बोलते हैं, बाकी जो फाइबर और बहुत तरीके के मटेरियल होते हैं बोलचाल की भाषा में उसको कार्बन फाइबर बोल दिया जाता है। ये तो दोस्तों थोड़े दिन के बाद जब स्कूटर मार्केट में आ जाएगा, अच्छे से सबके बीच में आ जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी और बाकी सब चीज़ें सर्विसिंग वगैरह कैसी है। बाकी अभी तक के लिए तो सिर्फ इसमें जो ऑन पेपर है वही है, तो आने वाले टाइम में कोई और भी अपडेट आएगी तो हम आपको टाइम टाइम पे अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।